हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो है वो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो 3 क्ले पॉट्स मैं परचेज़ की थी रिसेंटली, उसकी अनबॉक्सिंग और इसको किस तरह से आप प्री सीजन कर सकते हैं, यूज़ करने से पहले इसको किस तरह के प्रिकॉशंस लेना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्ले पॉट में कुक करना कैसा लगता, आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या आप यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्ले पॉट्स है ये क्राफ्ट्समैन इंडिया ऑनलाइन की तरफ से है। ये अमेज़ोन से मैं परचेज़ की, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इस कंपनी के हैं और ये पूरा हैंडमेड क्राफ्ट आइटम्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो पैकिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल सील्ड पैकिंग थी इसकी, ताकि ये जो क्ले पॉट्स है बहुत सेफली डिलीवर हो, इसलिए इसको अच्छी तरह से पैक करके डिलीवर किया गया। तकरीबन 2 या 3 बॉक्सेस के अंदर इसको पैक करके सेफली डिलीवर किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्ले पॉट मैं निकाल रही हूँ, और ये जो क्ले पॉट्स है वो ब्लैक क्ले के हैं। क्ले पॉट्स में जो है 2 टाइप्स के रहते हैं, एक रेड कलर की क्ले रहती और दूसरी जो है ब्लैक कलर की क्ले रहती। रेड कलर का क्ले पॉट ऑलरेडी मेरे पास था, मैं जिसमें तकरीबन 6 to 7 मंथ्स उसमें कुक करी भी थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो उसमें से थोड़ा सा क्रैक आ गया और वो यूज़ अब नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये जो अर्दन क्ले पॉट्स है वो रेड कलर की क्ले से ही बनते, लेकिन इसको बाद में जला के बर्निंग प्रोसेस के थ्रू इसको जला के इसको ब्लैक कर दिया जाता, जिसकी वजह से इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती और ये जो पॉट्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते, और जब स्ट्रॉन्ग पॉट्स रहते तो टूटने का चांस कम रहता, इसमें क्रैक्स आने का चांस बहुत ज़्यादा कम रहता। इसलिए जब मुझे पता चला कि रेड क्ले पॉट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये ब्लैक कलर के क्ले पॉट्स रहते, तो मैं इस बार रेड के बजाय ब्लैक वाले ऑर्डर की। और ये 3 क्ले पॉट्स का सेट है जिसके साथ एक वुडन स्टैंड है जिसके ऊपर आप उसको रख सकते, और 2 वुडन स्पैचुलास है। ये तकरीबन 5 आइटम्स जो है वो एक साथ पैकेज में डिलीवर हुए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं क्ले पॉट की कुकिंग जो है वो बहुत ही हेल्दी कुकिंग है, इसमें बनाने से सारे जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स है वो सारे हमको मिलते। तो यहाँ पे ये जो क्ले पॉट है वो 3 लीटर का है, 3 लीटर्स का ये सबसे बड़ा साइज़ है। इसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना सकते हैं, अगर चावल बनाना है या फिर ग्रेवी बनाना है आपको, तो आप लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर बनाना है तो वो 3 लीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है ये 2 लीटर्स का है जो कि मीडियम साइज़ है। उसके बाद जो छोटा वाला जो क्ले पॉट है वो 1 लीटर का है। तो इस तरह से ये 3 लीटर्स, 3 डिफरेंट साइज़ के क्ले पॉट्स का सेट है, साथ में एक वुडन स्टैंड और 2 वुडन स्पैचुलास। ये पूरे आइटम्स एक साथ मुझे मिले 899 रुपीज़ में, जो कि अमेज़ोन से मैं इसको परचेस की। अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से परचेस कर सकते या फिर प्रोडक्ट को व्यू कर सकते। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, क्ले पॉट की जो कुकिंग है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस, इसमें फूड आपका बन के रेडी होता, और ये जो पैकेज है इसके साथ गाइडलाइंस भी आए। जिस तरह से रेड कलर का जो क्ले पॉट रहता उसको प्री सीजन करना पड़ता हमको, वो सीज़न करे हुए नहीं रहते, लेकिन ये जो ब्लैक क्ले जो है वो ऑलरेडी सीज़न किए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा कुछ यूज़ करने से पहले करना नहीं है। जैसा कि आप मेरे लास्ट वीडियो में देखे थे जब मैं रेड कलर का क्ले पॉट ला के उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बताई थी, तो उसको मैं राइस वाटर में सोक करके रखी थी तकरीबन 24 आवर्स के लिए, फिर उसके बाद 3-4 पानी उसके चेंज करके उसको भिगा के रखने के बाद मैं यूज़ करना स्टार्ट की थी। लेकिन ये जो क्ले पॉट्स है वे ऑलरेडी प्री सीजन है, तो इसको सिर्फ नॉर्मल वाटर में हमको 12 आवर्स के लिए सोक करके रखना है ताकि ये पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। इसके बाद 12 आवर्स के बाद हम इसको निकाल देंगे, और इसके ऊपर ऑलरेडी स्टार्च का जो वाटर है वो ऑलरेडी कोट होके है, तो थोड़ा बहुत स्टार्ची वाटर जो है वो निकलेगा, उसको केयरफुली हैंडल करके निकालना है, और फिर एक बार अच्छे से पानी से वॉश करके आप इसको यूज़ कर सकते। अब यहाँ पे मैं इसको ओवरनाइट सोक करके रख दी 12 आवर्स के लिए। इसके बाद फिर रनिंग वाटर से इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फुल इसके ऊपर अंदर पानी फिल करके बिल्कुल लो फ्लेम पे आप बॉईल करना है पानी को,
जब तक कि पानी अच्छे से गर्म ना हो जाए। बॉईल करके वो पानी को आप डिस्कार्ड कर देना। उसके बाद आप ये क्ले पॉट्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की कुकिंग के लिए, या रेडी हो जाएंगे यूज़ करने के लिए। ये जो सारे स्टेप्स हैं ये तो यूज़ करने से पहले हैं। वंस अगर आप इसको इसमें कुक करना स्टार्ट करें तो फिर इसको किस तरह से वॉश करना है, इसको डिटर्जेंट्स या फिर सोप लगा के आप इसको वॉश नहीं करेंगे। इसको वॉश करने के लिए प्लेन वाटर से वॉश करना है। अगर आप चाहें तो आटा यूज़ कर सकते। अगर आपको ऐसा लगा कि इसमें कुछ स्मेल आ रही है या फिर आप जो भी बनाए उसका लेफ्ट ओवर फूड की जो है स्मेल है, तो आप वो स्मेल को दूर करने के लिए विनेगर ऐड करके या फिर लेमन जूस ऐड करके सॉफ्ट सा स्क्रबर यूज़ करके आप इसको वॉश कर सकते। इसके साथ डिटर्जेंट या फिर सोप कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो यूज़ करेंगे तो इसके जो पोर्स रहते हैं वो जाके उसमें डिटर्जेंट या फिर सोप जो भी है वो अब्जॉर्ब हो जाता, फिर वही चीज़ आपके फूड में आ जाएंगी। तो इस तरह से ये जो क्ले पॉट्स है उसकी अनबॉक्सिंग हो गई, और आप यहाँ पे देख सकते मैं इसको तकरीबन 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी फूड इसमें बनता, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आप इसको स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट करें तो फ्लेम लो रखना है, इसके बाद आप ग्रेजुअली इसकी जो हीट है वो बढ़ा सकते। बिल्कुल लो फ्लेम से डायरेक्ट आप उसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, अगर वैसा करेंगे तो फिर इसको थर्मल शॉक की वजह से इसमें क्रैक आ सकता। तो बिल्कुल लो फ्लेम, उसके बाद लो से मीडियम या फिर हाई, इस तरह से रख के आप इसको कुक कर सकते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसमें एक बार बनाई छोले जो कि बहुत ही टेस्टी बने, और इसके साथ साथ रमज़ान में मैं एक और रेसिपी अपलोड की थी ब्लैक चना चाट, जिसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते। वो भी मैं बनाई थी इसी क्ले पॉट्स में। तो ये जो क्ले पॉट की कुकिंग है ये बहुत ही हेल्दी कुकिंग है, इसको आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको सारे बेनिफिट्स जो है वो क्ले के मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें हमको अपनी बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये प्रोडक्ट पसंद आया तो आप इसको परचेस कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।